चलिए तो नमस्कार किसान भाइयों, ईट सदी यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान से जुड़ी खास महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट आज के इस वीडियो में शामिल है। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप किसान हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए, क्योंकि हम किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अप टू डेट जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं। तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन देख रहे हैं उस पर क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री होता है। चलिए खबरों की शुरुआत है कोंडागांव से। कोंडागांव के कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान योजना अंतर्गत धान के बदले अन्य लाभकारी फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर ने धान के बदले रागी, कोदो, कुटकी, मक्का, उड़द, कुलथी, सुगंधित धान, जैविक धान, जिंकटेड धान आदि की खेती हेतु गांव-गांव में जाकर कृषकों को बताने को कहा है। आपको बता दें, किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में इक्वेशी को लेकर और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान के बदले अन्य फसलों को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किसानों को जागरूक किए जा रहे हैं। इसके लिए जिला स्तर पर समय समय पर कार्यक्रम भी आयोजन किए जा रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अभियान चलाकर किसानों को केवाईसी करवाने के निर्देश दिए गए हैं और धान के बदले अन्य फसल लेकर अधिक लाभ कमा सकते हैं, इसके लिए किसानों को प्रेरित भी किया जा रहा है। खैर, इसको लेकर आगे जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आएगा हम इस चैनल के माध्यम से जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, मनरेगा को लेकर खास महत्वपूर्ण खबर सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत श्रमिकों को 1 अप्रैल 2022 से प्रतिदिन 204 रुपये की मजदूरी मिलेगी। जी हाँ, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रति दिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि किन किन को इसका लाभ मिलेगा। आप लोगों को बता दें, मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्तकर्मकारों हेतु छत्तीसगढ़ के लिए 204 रुपये प्रतिदिन की मंजूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है। जब हम बात कर रहे हैं मनरेगा को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर खबर आ रहा है नया भर्ती को लेकर। छत्तीसगढ़ में मनरेगा में 11 नए लोकपालों की भर्ती के लिए 22 अप्रैल तक आवेदन करने का समय सीमा निर्धारित किया गया है। ये सारे पद 11 जिलों के लोकपालों नियुक्ति के लिए है। इसमें कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, गोरेला पेंटा, मारवाही, बालोद, बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद, सुकमा, सूरजपुर और मुंगेली में लोकपाल के लिए 1-1 पद राज्य स्तरीय भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। आप लोग को बता दें, अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो डिटेल जानकारी हम अपना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप हमारा टेलीग्राम से देख सकते हैं, जानकारी वहीं से ले सकते हैं। किसान भाई, सीजी न्याय योजना ऑल अपडेट्स ऐप अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर सीजी न्याय योजना सर्च करके आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। किसान भाई, किसानों के लाभ के लिए सरकार कौन कौन से नई घोषणाएं की है, क्या नई खबर है, क्या नई अपडेट है, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजना, किसान संबंधित तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें अपडेट सीजी न्याय योजना ऑल अपडेट एप्लीकेशन पर मिलेंगे। तो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर सीजी न्याय योजना सर्च करके आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, केसीसी बनाने व पीएम किसान को लेकर आ रही खबर आप लोगों को बता दें। खबर जगदलपुर की है, जहां किसानों की आय को बढ़ाकर उनके आर्थिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित योजनाओं का बेहतर लाभ हितग्राहियों को मिले, इसके लिए पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ कार्य करने के निर्देश कमिश्नर श्री श्याम धावड़े ने दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए शासन की प्रत्येक योजना से लाभान्वित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस दरमियान कमिश्नर ने कहा कि शासन द्वारा अब फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, उद्यानिकी कृषि आदि गतिविधियों के लिए भी अल्पकालीन बिना ब्याज की ऋण प्रदान की जा रही है। इसके लिए सभी हितग्राही किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए सभी विभागों द्वारा समन्वित रूप से शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए 30 जून तक हर हाल में लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। तो किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, उद्यानिकी के लिए या फिर अन्य कृषि गतिविधियों के लिए अल्पकालीन बिना ब्याज ऋण का प्रावधान सभी जिलों के किसानों के लिए होना चाहिए और सरकार इसके लिए समय समय पर शिविर और कार्यक्रम का आयोजन करता रहता है। किसानों तक सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाता, इस वजह से किसान इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। वैसे अब जब भी कोई नया लेटेस्ट अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से जानकारी आप लोग तक मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, क्लिक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जोर से करके रखिए किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अप टू डेट जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे, नमस्कार।